हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मौत को अंजाम देने के लिए जिंदगी न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरती है। तथ्यों यानी फैक्ट्स की कितनी ही तहों के नीचे अपराध की सच्चाई छिपी रहती है। सर पलक को गायब हुए 48 घंटे हो गए। सर मेरी बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर सक्सेना जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज पेशेंस रखिए। बेहतर होगा अगर पलक के बारे में आप लोग कुछ और जानकारी दे पाएं, जैसे कब निकली थी वो घर से। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। गाड़ी मिल गई, नंबर वही है। ठीक है, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। गाड़ी के अंदर खून के निशान है और पूरी गाड़ी सर, ये मेरी बेटी की गाड़ी है। एक मिनट मौर्या, देखिए सर पूरी गाड़ी में खून के निशान है और गाड़ी के अंदर गोली चली है, ये शैल हमें यहीं से मिला है। एक काम करो, आसपास का एरिया अच्छी तरह से देखो, कोई वेपन मिलता है क्या। आलम अटैक तो हुआ है, अब या तो पलक ने किसी पे अटैक किया है या पलक पे अटैक हुआ है। सर सर ये सब क्या हो रहा है सर, मेरी बेटी पलक कहाँ है। आपकी बेटी से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा। नहीं सर, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई रंजिश नहीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वो घर ही आ रही थी, उसका फोन भी आया था, वो गाड़ी में अकेली थी सब। तो फिर उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई। पिस्तौल नहीं साहब, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं था। हमें पलक की गाड़ी से बुलेट का एम्प्टी शेल मिला है। लेकिन सर उसके पास कोई पिस्तौल नहीं है। देखिए सक्सेना जी, या तो आप जानते नहीं हैं या आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आलम सक्सेना जी का डीएनए के लिए ब्लड टेस्ट करवाओ। सर आलम, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी से जो हमें खून के डब्बे मिले हैं वो किन्हीं दो लोगों के हैं, जिनमें से एक ए बी पॉजिटिव है और दूसरा बी पॉजिटिव। और एक बात पता चली है कि ये एबी पॉजिटिव वाला इंसान एचआईवी पॉजिटिव भी है। हाँ सर, लेकिन पलक का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो पक्का ये उसका खून तो नहीं हो सकता। और इन सब बातों से ये तो कंफर्म है कि गाड़ी में कम से कम तीन लोग थे, दो वो जिनके खून के धब्बे हमें गाड़ी में मिले और तीसरी पलक जिसकी गाड़ी थी और जो भी मिसिंग है। पलक का मिसिंग होना और गाड़ी से इन दो लोगों के खून के धब्बों का मिलना, इन दोनों के बीच की कड़ी ये एचआईवी पेशेंट हो सकता है। चूंकि ये बीमारी कॉमन नहीं है इसलिए इसके बारे में पता लगाना आसान है। एक काम करो, आसपास के क्लिनिक्स में एचआईवी पेशेंट्स के बारे में पता करो, हो सकता है वो पेशेंट इनमें से ही कोई एक हो। सर और एक बात, पलक के पिता राजेंद्र के घर पे भी सर्वेलेंस बढ़ा दो। पलक की गाड़ी से खून के धब्बे का मिलना और उसका गायब होना जरूर कुछ ऐसा है इस लड़की की जिंदगी में जो अलग से चल रहा है। लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मौर्य फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो। ओके सर। और आप लोग आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। ये पलक सक्सेना की गाड़ी भी तो इसी हाईवे पे मिली थी ना। हाँ सर, यहाँ से कोई 15 किलोमीटर आ गया, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पे। पलक की गाड़ी से खून के धब्बों का मिलना और आसपास किसी बॉडी का ना पाया जाना, यहाँ इस अवशेष का मिलना, इसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करना, दोनों केसेस में कोई कनेक्शन हो सकता है। एक काम करो,
गाड़ी से जो हमें खून के दो सैंपल्स मिले थे उनका डीएनए और पलक के फादर का डीएनए से इस अवशेष का डीएनए मैच करके देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर पलक सक्सेना की गाड़ी, गाड़ी में खून के निशान और 15 किलोमीटर ही आगे इंसानी जिस्म का एक खौफनाक अवशेष एक या अनेक अपराधों की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस के सामने बड़ी ही पेचीदा सिचुएशन थी। जिसकी गाड़ी थी वो लापता था, जिनके खून बहे थे उनका ना जाने क्या हश्र हुआ था, लेकिन इतना तय था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि किसी की शातिर सोच का नतीजा था। हमारे हाईवेज हमारी मंजिल को आसान बनाते हैं, लेकिन बाराबंकी उन्नाव हाईवे पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनने वाला था। सर, खेत में जो हमें जली हुई हड्डी मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट। क्या लिखा है इसमें? सर, गाड़ी में जो दो ब्लड सैंपल हमें मिले थे उनमें से एक के डीएनए से इस हड्डी का डीएनए मैच करता है। डीएनए ही नहीं, बीमारी भी मिलती है, यानी कि जिसकी हड्डी मिली है वो एचआईवी पेशेंट था, और गाड़ी से जो हमें दो ब्लड सैंपल्स मिले थे उसमें से ये ए बी पॉजिटिव वाला भी एचआईवी पेशेंट था। इसमें यह भी लिखा है कि हत्या शायद गोली मारकर की गई और बाद में उसको जला दिया गया, यानी कि हत्यारा मृतक को जानता था इसीलिए सुराग मिटा रहा था। उसे लगा होगा कि अगर बॉडी हमारे हाथ लग गई तो हम अपराधी तक पहुंच ही जाएंगे। आलम, फॉरेंसिक की नजर से एक हड्डी का मिलना एक बॉडी के मिलने से कम नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस जानकारी का करते क्या है। खैर, वो जो भी हो अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। सर, आपका इशारा पलक की तरफ तो नहीं? अभी तक मिसिंग है वो। नहीं आलम, इस केस में सिर्फ पलक ही नहीं कुछ और लोग भी शामिल हैं। सर, सर ये अपना खबरी है बाराबंकी नया बाजार से, कुछ खबर लाया है। बोलो। सर, उधर प्रॉपर्टी डीलर है नया बाजार में, 4 दिनों से गायब है। तो इसमें खबर क्या है, किसी काम से गया होगा? नहीं साहब, उसके अपने बंदे ऑफिस के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन्होंने? नहीं सर, इसलिए तो शक हुआ, तभी तो आप लोगों को बताने आया। क्या नाम है उसका? मनोहर गुप्ता, वैसे उसे मोंटी बुलाते हैं साहब। उमर? उम्र 26-27 साल, उधर नया बाजार में उसका घर है, उधर फैमिली के साथ रहता है। सर, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इस बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले दोनों लोग की उम्र भी 20 से 27 साल के बीच की है। नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमको नहीं पीना चाय वाला। अरे चाय तो पी लो, अनशन करने से कुछ नहीं होगा, वो आ ही जाएगा। हर दूसरे दिन तो गायब हो जाता है मोंटी। लेकिन 4 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए, ना कोई फोन, ना कोई खोज, ना खबर। हमेशा तो जाता था, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, पर खबर तो करते थे, लेकिन इस बार तो उनका। अरे हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस को खबर कीजिए। हाँ, बुला लो पुलिस को और दिखा दो घर, जवाब देते रहेंगे उनके सवालों के। पिछले शहर में बदनामियां कम हुई थी। अरे हम तो कहते हैं गया तो गया, कम से कम प्रिंट छूटेगा नालायक से। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे बनी और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मोंटी, मोंटी गुप्ता यहीं रहता है? जी, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कानपुर गया। कब गया? कुछ दिन पहले। जब आपका बेटा घर से निकला उसके साथ में कोई था? नहीं नहीं, जब गया तो अकेले ही था। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर। तो आपको तो पता होगा वो कहाँ गए। नहीं सर, इस बार वो कुछ कह के नहीं गए। गुप्ता जी, आपके बेटे के ऑफिस वाले 4 दिनों से उसे ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं 4 दिन से उसे, लेकिन आपने कंप्लेंट नहीं की। सर, 4 दिन से मेरा बच्चा गायब है। कब से इनको कह रहे हैं कि पुलिस पे कंप्लेन कीजिए, पुलिस पे कंप्लेन कीजिए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं किया आपने कंप्लेंट? वो अक्सर जाता रहता है, कभी कभी हफ्ते भर के लिए, कोई नई बात नहीं है। बस इस बार वो कोई खबर नहीं की उसने, और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर, आप गुप्ता जी, बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर कुछ वारदातें हुई जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन बॉडी हमें नहीं मिली है, बॉडी पार्ट्स मिले हैं। अब आप हमें सही सही बताइए कि आपका बेटा है कहां। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। आ! आ! आ!
पिस्तौल रखता है बेटा आपका? पिस्तौल? जी मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। यही है आपका बेटा? कसरत ही है? हाँ हाँ सर, वो बचपन से उसको शौक था अपना शरीर बनाने का। देखो भैया ये वाली है, ये मुंह साफ है ना। हाँ, कितना दो गोनी कर दो? दो कर दो, और तू और कर। अरे अरे पापा इतनी कंजूसी मत करा करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तेरे पेट में तो जाता है मुफ्त का, भट्टा बैठाया किसी ने दुकान में? छोटे खाने देना, घी गिरा तो खिचड़ी में ना, खा बेटा खा। भैया अरे तू दाल बता। कसरत करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत शौक है इसे। ये मोंटी आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, मेरी एक बेटी भी है पूनम। गुप्ता जी हमें आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट? हमारा? जी आपके ब्लड टेस्ट से हमें डीएनए मैचिंग करवानी होगी उसके साथ जिसकी बॉडी के पार्ट्स मिले हमें। एक बात बताइए, आपके बेटे को किसी तरह का कोई रोग था? मेरा मतलब गुप्त रोग। बाराबंकी उन्नाव हाईवे पर मिली गाड़ी में खून के निशान अब एक इंसान से जुड़ गए थे। सुरागों के कोहरे में भटकती पुलिस के सामने अपराध की एक छवि सी बन गई थी। गुप्ता परिवार से उनका नौजवान लड़का मोंटी गायब था, तो क्या वो भी उस रात उस कार में था? इसका जवाब महज अब एक ब्लड टेस्ट के नतीजे पर टिका था। लेकिन पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली थी। किसी भी अपराध की इमारत मोटिव यानी कि मकसद की नींव पर खड़ी होती है। एक लड़की गायब है, खून के निशान हैं और एक इंसानी जिस्म का अवशेष। मकसद क्या था? क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा इस गुत्थी को सुलझाने वाला था? सर मोंटी के पिता का डीएनए रिपोर्ट आ गया है और उनका डीएनए इस बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले से मैच करता है। यानी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला मोंटी है। इसका मतलब मोंटी भी उस गाड़ी में मौजूद था। गुप्ता जी जो हमें अवशेष मिले थे वो आपके बेटे मोंटी के नहीं है, लेकिन हाँ हमें एक गाड़ी मिली है उसी रास्ते पे जिसे कोई छोड़ के भागा था। उसमें खून के धब्बे मिले हैं जिसमें से किसी एक के ब्लड का डीएनए आपसे मैच कर रहा है। मतलब साफ है कि मोंटी भी उस गाड़ी में था और वो गाड़ी इस पलक सक्सेना के नाम पे है। जानते हैं आप इसे? रिंकी जी आप जानती हैं इसे? कभी आपसे जिक्र किया हो मोंटी ने? नहीं कभी जिक्र तो नहीं किया। तो फिर आपका बेटा मोंटी इसकी गाड़ी में कर क्या रहा था? और वो अकेला ही नहीं, उसके अलावा एक और आदमी भी था उस गाड़ी में। क्या पता सर? सर इस गाड़ी वाली लड़की को अब तक कुछ पता नहीं चला और अब तो ऐसा लगता है कि सुभाष गुप्ता का बेटा भी गायब है। आखिर चल क्या रहा है इसके बेटे की लाइफ में? नहीं सर, मेरी पलक किसी मोंटी को नहीं जानती थी। वैसे वो हर बात इन्हें जरूर बता देती थी। कुछ भी नहीं छुपाते थे हमसे वो। बच्चे आजकल क्या छुपाते हैं क्या बताते हैं किसी को क्या मालूम। सर आप लोग हिम्मत मत हारिए, हम पलक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर ये पलक और मोंटी के कॉल रिकॉर्ड्स, इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वारदात हुई इन दोनों की फोन लोकेशन एक ही एरिया में थी। हो सकता है कि ये दोनों भी उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद हों। पर सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 महीनों से इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि वो तीसरा ब्लड सैंपल एबी पॉजिटिव जो हमें गाड़ी में मिला था, हो सकता है वही इन दोनों के बीच की कड़ी हो। पर सर अभी तो ये मोंटी और पलक दोनों गायब है। आलम ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में मोंटी की उस तीसरे आदमी के साथ लड़ाई हुई हो, मोंटी ने उसको गोली मारी और बाद में उसे खेत में जलाकर मोंटी वहां से निकल गया हो। पर सर गाड़ी में पलक भी तो थी, तो हो सकता है कि उसको भी मोंटी ने मार दिया हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मोंटी ने पलक को ना मारा हो, पलक मोंटी और उस तीसरे आदमी के झगड़े के दौरान मौका पाकर वहां से निकल गई हो और अब डर के मारे कहीं छुपी बैठी हो। कोई है?
आप लोगों ने बोला मर गए हैं वो, और अब आप बोल रहे हैं हत्या की है उन्होंने किसी की। क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए शांत हो जाइए, केस की छानबीन चल रही है और पुलिस का काम है अनुमान लगाना। पर सर छानबीन कब तक चलेगी और भैया का पता कब चलेगा? जब तक आप लोग खुल के सारी बातें हमें नहीं बता देते। गुप्ता जी क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? कुछ भी तो नहीं छुपा रहे हैं सर, सब कुछ तो बता दिया आपको। आपसे हम दोबारा पूछ रहे हैं, आपका बेटा मोंटी पिस्टल रखता था? क्योंकि हमें जो गाड़ी मिली थी उसमें फायरिंग हुई थी और उसी में आपके बेटे मोंटी के खून के धब्बे भी हमें मिले हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम नहीं जानते कि वो पिस्टल रखता था या नहीं। देखिए सर मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, अब हमें और परेशान मत कीजिए। अदा मुझे लगता है ये गुप्ता परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ सर मुझे भी ये लग रहा है। पहले तो सुभाष गुप्ता ने अपने बेटे के गायब होने के 4 दिन तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और अब इतना कंसर्न दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम मोंटी और पलक के बीच की कड़ी यानी वो तीसरे ब्लड सैंपल वाला आदमी जिसे एड्स था उसे नहीं ढूंढ लेते तब तक इस केस में किसी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये मोंटी और पलक के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो कोई कॉमन नंबर मिलता है क्या। सर सर मैंने पलक और मोंटी दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए पर कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों के बीच में नहीं मिला। मोंटी लास्ट टाइम ऑफिस के लिए निकला था, उसके ऑफिस और आसपास के एरिया में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। सर यहीं पे काम करता तू? जी सर। तो मोंटी कहाँ है, कोई खबर, कोई फोन उसका? पता नहीं सर, 8 दिन हो गए सर, पता नहीं कहाँ है सर। ये ऑफिस की चाबी तेरे पास ही रहती है? हाँ सर ऑफिस की चाबी मेरे पास ही रहती है सर। अच्छा ये मोंटी पिस्टल कहाँ रखता है? क्या सर? पिस्टल कहाँ रखता है मोंटी? हमें नहीं पता सर। दूसरे घर वालों की तरह तू भी ड्रामा कर रहा है, अंदर डालूंगा फिर मुंह खोलेगा। चल था उनके पास सर एक पिस्टल सर, वो हमारे धंधे में तो सर जरूरत पड़ती रहती है ना सर, और सर वैसे भी उनका पिस्टल वो बिना लाइसेंस के था सर। क्या है उसके पास? माउजर, सिक्सर, रिवॉल्वर, क्या है? सर 9mm था। 9mm? और क्या पता बोल? बस सर और बोल, सच सच बोल जो भी जानता है। सर सर भैया जी जब लखनऊ से आए थे तो पिस्टल साथ लेके आए थे। लखनऊ से? हाँ सर, वो कुछ 6 महीने पहले आए थे और सब बताने को भी मना किया। तो लखनऊ से यहाँ क्यों आए थे? पता नहीं साहब, बसा बसाया सालों पुराना कारोबार था सर वहाँ, पता नहीं वो छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाइयो मत कहीं। और हाँ अगर तेरे भैया जी का फोन तुझे आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करियो। जी सर। ये गुप्ता फैमिली जितना हमें बता रही है उससे कहीं ज्यादा ये हमसे छुपा रही है, इतनी बड़ी बात पचा गई है। एक काम करो, लखनऊ जाकर जरा ये गुप्ता फैमिली का हिसाब किताब पता करो। सर अनजान रास्तों पर अनजान लोगों का मिल जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनका किसी अपराध में इन्वॉल्व पाया जाना चौंका जाता है। पलक और मोंटी के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई थी ऐसा उनके फोन रिकॉर्ड से पता चलता है, लेकिन फिर भी अपराध की उस रात दोनों साथ थे। पुलिस ने पलक का बैकग्राउंड चेक कर लिया था लेकिन उन्हें वहां कोई संदिग्ध बात नजर नहीं आई थी, इसलिए पुलिस अब मोंटी की जिंदगी को खंगालने में जुट गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अपराध के पीछे का सिलसिला और मकसद वहीं कहीं है। प्लीज मुझे मारना मत, आप मुझे भले आदमी लगते हो और हैंडसम भी हो। मजाक उड़ाती हो हैंडसम है हम? Oh,
मोंटी का चाचा यहीं पे आगे रहता है, शंभुनाथ गुप्ता नाम है उसका। यादव गाड़ी लेफ्ट में ले। जी सुभाष गुप्ता के बड़े भाई है ना? जी। पहले आप दोनों भाई साथ में रहते थे ना यहाँ पर? जी जी। फिर अचानक चले क्यों गए वो यहाँ से? देखिए सच सच बताइएगा वरना थाने ले जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी आपसे। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? वो छोटे की बहुत बदनामी हो रही थी बहू के कारण। सुभाष सुभाष। हाँ भैया। छोटे देख ये क्या आया मोबाइल में, बहू की कैसी तस्वीर आई है, क्या है ये? ये क्या है? हमें नहीं। ये क्या है? अरे क्या गुप्ता जी, दुकान छोड़ के क्या नया धंधा शुरू कर दिया? बहू को भी लगा दिया लाइन पे। वो बहू की गंदी तस्वीर पूरे शहर भर में फैल गई थी और उसके कारण पूरे शहर में छोटे की बहुत धू-धू हो रही थी। समाज में उठना बैठना मुश्किल हो गया था उसका और उसके परिवार का। मोंटी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था पर सब कुछ रातों रात बेच बाज कर निकल गए सबके सब। किराने की दुकान हम दोनों भाई मिलके चलाते थे पर सुभाष ने चाबी मेरे हाथ में दे दी और चला गया। अच्छा मोबाइल में जो MMS निकाला था वो किसने निकाला कुछ पता चला? नहीं साहब, पता नहीं किसकी हरकत थी वो। और कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ पर? अभी तो हम पति पत्नी रहते हैं, एक बेटा है राजेश, वो दिल्ली से सिविल की तैयारी कर रहा है। बाराबंकी की पुलिस मोंटी के चाचा शंभुनाथ गुप्ता से मिलने के बाद जब घर के बाहर पहुंची तो पता चला कि मोबाइल पर फैलाई गई मोंटी की बीवी की अश्लील तस्वीरें दरअसल अविनाश नाम के एक लड़के ने अपलोड की थी। सुनिए ये सुभाष गुप्ता यहीं पे रहते थे ना? हाँ साहब यहीं रहते थे पर साहब वो तो सबके सब फरार है। क्या है ना साहब, उनकी बहू की तस्वीरें ना मोबाइल में आ गई थी। जी नहीं साहब, उसका तो लफड़ा चल रहा था। अरे वो क्या नाम था उस लौंडे का? अविनाश। हाँ अविनाश, उसका मोंटी के साथ पहले से ही कुछ झगड़ा चल रहा था साहब। अविनाश ने तो बदला लिया है साहब, उसने पता नहीं मोंटी की बीवी की तस्वीर कैसे निकाल ली। अरे वो क्या बोलते अपना, वो कंप्यूटर से निकाल ली होगी? नहीं जी ओरिजिनल थी सर, एकदम असली थी सर। अच्छा किया यहाँ से भाग गए साहब, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मोंटी का बस चलता तो उसकी औरत और उस लौंडे अविनाश का दोनों का कत्ल कर देता साहब वो। ठीक है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ पूछे ना। सच सच बताना मोंटी कहाँ है? हमें नहीं पता अम्मा। तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं अम्मा कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम जानते हैं लखनऊ की उस घटना के बाद आप लोगों ने हमें घर से तो नहीं निकाला पर अपनाया भी तो नहीं, और अब आप हम पर शक कर रही हैं कि हमने झगड़ा किया उनसे। चुप 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 दो मैं बच्चा। जिस नंबर से MMS आया था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और वो नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। अविनाश के घर चलते हैं, अब अविनाश ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अविनाश कहाँ है? क्या बात क्या है साहब? जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब यहीं पे देंगे या थाने चल के बोलेंगे? ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं साहब? 8-10 दिन हुए हैं वो
लखनऊ में नहीं है अविनाश। फिर कहाँ है अभी? गया होगा कहीं घूमने फिरने, उसके तो घूमने फिरने की आदत है। ये रिंकी का एमएमएस उसी ने बनाया था ना? नहीं नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी डीलर मोंटी गुप्ता से कोई पुराना झगड़ा था ना उसका, तब उसका बदला उसकी बीवी से निकाल लिया। नहीं नहीं साहब, हमारा बेटा अविनाश ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा। और हाँ, आपके बेटे को कोई गुप्त रोग है, मतलब एचआईवी? नहीं नहीं साहब, हमारा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। और आप ये ब्लड टेस्ट की क्या बात कर रहे हैं? थाने चलिए, आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलिए। फोरेंसिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई थी कि खेत में मिली पैर की हड्डी अविनाश की थी, और साथ ही ये भी साबित हो गया था कि अविनाश ही एचआईवी से ग्रसित था। हालांकि उसके परिवार को उसकी इस बीमारी के बारे में कोई खबर नहीं थी। मामला गहरा था, पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, तर्क बहुत थे लेकिन सबूत और सुराग आपस में मिल नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी पहेली ये थी कि पलक सक्सेना का इस पूरे मामले से क्या रिश्ता था। ये कौन व्यक्ति था जिसने पलक को अगवा किया था और उसे लगातार टॉर्चर कर रहा था, और क्या संबंध था इस आदमी का मोंटी और अविनाश से? शातिर अपराधी का मकसद उलझने पैदा करना और सवालों के रास्ते पर पुलिस को गुमराह करना होता है। लेकिन अपराध छुपता नहीं, अपराधी बचता नहीं, और सवालों के जवाब भी देर सवेर मिल ही जाते हैं। मुझे लगता है उस दिन मोंटी का अविनाश के साथ गाड़ी में झगड़ा हुआ, मोंटी ने अविनाश पे गोली चलाई और बाद में उसकी लाश को जलाकर फरार हो गया। तो सर, फिर इस पलक सक्सेना का इस वारदात और इन लोगों से क्या कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पलक ने ना तो मोंटी और अविनाश से कभी बातचीत की और ना ही लोगों ने एक दूसरे को कभी मैसेज भेजे। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक ये तीनों ही उस दिन उसी गाड़ी में मौजूद थे। या तो ये हत्या मोंटी ने अकेले की थी, या फिर इस हत्या में मोंटी के साथ पलक सक्सेना भी शामिल थी। मतलब आपके कहने का ये है कि एक मिनट। हाँ बोलो। क्या लाश तो बुरी तरह से जली हुई? हाँ सर, और पहली लाश भी हमें इसी रूट पर 15 किलोमीटर पहले मिली थी, और उस लाश को भी जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश ठीक इसी तरह से की गई थी। सर, कहीं इस लाश का उस लाश से कोई कनेक्शन तो नहीं? एक काम करो, इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाओ, हो सकता है ये लाश मोंटी या पलक में से किसी एक की हो। सर, डीएनए मैच होने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि वो लाश मोंटी की ही है। अब बची पलक, या तो यह हत्या पलक ने की है या फिर किसी से करवाई है। आखिर ये पलक है कहाँ? ये सब हमारी गलती का ही नतीजा। हमें आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? लखनऊ में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से यहाँ बाराबंकी आ गए थे। और वो कांड अविनाश और मोंटी के किसी पुराने झगड़े की वजह से हुआ था। वो झगड़ा किस वजह से हुआ था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बाद में ये पता चला था कि अविनाश ने वो एमएमएस बनाया था। क्यों, ये भी हमको नहीं मालूम। मेरा बेटा, मेरा मोंटी बहुत अच्छा था। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जो मालूम है वो बताओ, इससे पहले कि फिर कोई नया कांड हो जाए। क्या बताएं सर, बात बताने लायक हो तब तो बताएं। जो भी बात हो वो बोलो। सर, ये सब लोग हमारी इज्जत उछालने पे लगे हुए हैं, जबकि इस सब की जड़ पूनम है। मोंटी की बहन,
जी सर, उसकी वजह से ही मोंटी और अविनाश एक दूसरे से नफरत करते थे। मतलब? सर, एक रोज मोंटी ने पूनम और अविनाश को रंगे हाथों पार्क में मुंह काला करते पकड़ा था। पूनम, क्या रहे? भैया कुछ क्या रहे? क्या रहे? क्या रहे? देख लेंगे हम तुमको, देख लेंगे, एक एक थप्पड़ का बदला लेंगे, एक एक थप्पड़ का। उन्होंने घर पर आकर हमें सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये बात कभी भी किसी से भी नहीं बताई। पर अविनाश, उसके सर पे तो खून सवार था, बदला लेने की धमकी दी थी उसने। और सर, उस दिन जब क्या हुआ? मुझे लगा वहां कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, हुआ क्या था? अरे वो आवाज आई थी। कैसी आवाज? वो होती है ना जैसे। अरे यार कुछ भी नहीं है, चलो तुम जाओ। उस दिन तो समझ नहीं आया वो आवाज कैसी थी, पर उसके कुछ समय बाद जब हमने हमारा एमएमएस देखा तो हम समझ गए ये काम अविनाश का ही है। तुमने कहा मोंटी और अविनाश के बीच झगड़ा हुआ था लखनऊ के पार्क में, उस झगड़े के बाद पूनम और अविनाश क्या फिर भी मिलते रहे? सर, उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। गुप्ता जी, हमें आपकी बेटी पूनम से कुछ सवाल करने हैं। अविनाश से क्या संबंध था तुम्हारा? सर, बस दोस्ती थी। मोंटी ने तुम्हें और अविनाश को लखनऊ के किसी पार्क में रगे हाथों पकड़ा था? किसने कहा आपसे ये? रिंकी भाभी ने। क्यों, ये बात सच नहीं है? सर, सच सरासर झूठ है। अविनाश और हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, बस दोस्त। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, हाँ कभी कभी वो हमारे घर आता था। सच तो ये है, भाभी भैया से फ्रस्ट्रेट होकर अविनाश को पटाने लगी और फिर वो लोग रोज मिलने लगे। और सर, उस रोज पार्क में भैया ने मुझे और अविनाश को नहीं बल्कि रिंकी भाभी और अविनाश को पकड़ा था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लेंगे हम तुमको, देख लेंगे, एक एक थप्पड़ का बदला लेंगे, एक एक थप्पड़ का। ये जो तुम कह रही हो, अगर ये बात सच है तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर यही सच है क्योंकि मुझे भैया ने खुद बताया था और उन्होंने मुझे मना किया था मैं किसी से ये बात ना कहूं, मम्मी पापा से भी नहीं। नहीं सर, इस बारे में हमको नहीं पता। तभी तो मेरा बेटा मर गया। क्या क्या सह रहा था वो घुट घुट के रह रहा था, घुट घुट के रह रहा था वो, घुट घुट के। एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने अविनाश को इधर बाराबंकी में देखा था? कभी नहीं देखा। सर, आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं वो सब सच है? हो सकता है ये सब लोग एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पर क्यों क्यों करेंगे वो ऐसा? हो सकता है इनकी बातों में भी कुछ सच्चाई हो, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और सोच रहा हूँ आलम। क्या सर? अविनाश और मोंटी दोनों मर चुके हैं, अगर अविनाश को मोंटी ने मारा तो फिर मोंटी को किसने मारा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो लड़की पलक इन दोनों के बीच में कर क्या रही है? Hey, उठ, उठ, उठ जा। सर, अविनाश, पूनम और रिंकी का कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीनों में इन तीनों के बीच में आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सर ये देखिए, लखनऊ में रहने के दौरान मोंटी की बहन पूनम और अविनाश के बीच काफी बातचीत होती थी, लगभग रोज घंटों तक। झूठे
चक्कर तो इसका चल रहा था अविनाश के साथ, वो बस हमारा दोस्त था, बस दोस्त, कोई संबंध कोई अफेयर नहीं था हमारा उसके साथ। और अम्मा झूठ तो भाभी बोल रही है अपनी करतूत पे पर्दा डालने के लिए। अम्मा हम अपने बच्चे टिंकू की कसम खा के कहते हैं हमारा कोई संबंध नहीं था किसी के साथ। झूठ बोल रही हो तुम, अपनी भाभी पे लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम बिल्कुल झूठा है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आवाज नीचे, हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं सच खुलवाने के, और सच तो ये है कि मोंटी को तुम्हारे और अविनाश के संबंधों को लेकर आपत्ति थी, इसलिए तुमने अविनाश के साथ मिलकर मोंटी के कत्ल का प्लान बनाया जो कि फेल हो गया, और बाद में मोंटी को उसको भी मारकर जला दिया। हालांकि यह काम तुम्हारे अकेले के बस का नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ तीसरा भी जरूर कोई था। कौन था वो तीसरा और ये पलक कहाँ है? किसी पलक को नहीं जानते, और हमारा विनाश का कोई संबंध नहीं था, भाभी का था, सिर्फ भाभी का, हमने कुछ नहीं किया सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मोंटी और अविनाश दोनों दुश्मन थे तो फिर ये दोनों एक साथ उस गाड़ी में कैसे पहुंच गए और क्यों? हो सकता है किसी ने मीटिंग तय की हो, पर सर मोंटी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन ये भी तो हो सकता है पर्सनली आमने सामने बात की गई हो। पर सर जिस दिन वारदात हुई अविनाश उसी दिन बाराबंकी पहुंचा था, तो हो सकता है कि उस तीसरे आदमी को अविनाश ने अपने फोन से कांटेक्ट किया हो। एक काम करो आलम, इस अविनाश के फोन कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो, पता करो वारदात से 2-3 रोज पहले इसने किस किस से बात की थी। सर 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 देवपुर हाईवे चेकपोस्ट से एक आदमी आया है, उसके पास कुछ खबर है, बुलाओ उसे। सर अभी कुछ देर पहले मैं उन्नाव बाराबंकी हाईवे से जा रहा था, रास्ते में एक लड़की दिखी, उसके सर पर चोट लगी थी सर, वो रुको रुको चिल्ला रही थी। सर पर कुछ देर आधा किलोमीटर आगे गया, मुझे लगा गलती कर दी, वापस लौटा देखा उधर कोई नहीं था। गौर से देखो, यही थी वो लड़की? हाँ सर यही थी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जा। तुम्हें हम एक ही तरीके से जाने दे सकते हैं, तुम्हें जान से मार के। मुझे जान से मार दो, मार दो मुझे जान से। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से कैसे? सर डॉग स्क्वाड की कोई अपडेट? इन्फॉर्म किया सर, आते हूँ। एग्जैक्टली कहाँ खड़ी थी लड़की वो? एग्जैक्टली तो पता नहीं सर, यही कहीं देखा था मैंने। सर्च में कुछ मिला क्या? सर अब तक तो कुछ नहीं मिला, तलाश जारी। सर ये देखिए सर, यहाँ खून है सर। सक्सेना का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, इसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो। सर सर मैंने कॉल रिकॉर्ड से पता लगाया अविनाश एक नंबर पे बहुत अरसे से फोन करता आया है, लगभग पिछले 2 साल से। किससे बात करता था? सर ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हाँ सर ताज्जुब की बात ये है कि अविनाश जिस नंबर पे फोन करता था वो खुद उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर ये देखिए वही नंबर है। मोंटी के
पास हमारे लिए कभी टाइम ही नहीं था। उनकी जिंदगी में तो बस काम 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 और पैसा। अविनाश पूनम को छोड़ने कभी कभी आता था। कॉलेज में साथ पढ़ते थे दोनों और इसी दौरान हमारी जान पहचान हो गई। हाँ, लखनऊ में भी घर के बाहर हम लोग मिलते थे। फिर एक रोज मोंटी ने हम लोग को देख लिया और हमें बहुत मारा धमकाया। सर, हमने माफी मांगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने और सुधारने की बहुत कोशिश भी की, पर फिर किसी ने हमारा MMS बनाया जिसके चलते इतनी बदनामी हुई कि हमें लखनऊ छोड़ के रातों रात यहाँ बाराबंकी आना पड़ा। सर, हमने MMS जरूर बनाया था, पर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अविनाश सिर्फ दोस्त नहीं था हमारा, प्यार था हमको उससे, लेकिन भाभी ने उसको छीन लिया हमसे, इसलिए हमारा दिमाग गुस्से से खराब हो गया था। और उस रोज हमने MMS बनाया और फिर एक फर्जी नंबर से हमने सबको भेज दिया, पर सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया। अभी कुछ रोज पहले खून की जांच करवाई तो पता चला मुझे और मेरे बेटे टिंकू को HIV हो गया है। हम समझ गए ये हमें अविनाश की वजह से ही हुआ है, पर मोंटी को ना हो जाए इसलिए हमने उनसे शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। पर एक रोज मोंटी जिद करने लगी तो हमें उन्हें बताना पड़ा और फिर उनके कहने पे ही हमने अविनाश को उस दिन उनकी बताई हुई जगह पे बुलाया। लेकिन सर, उसके बाद क्या हुआ ये हमें नहीं पता। मोंटी के हम चचेरे भाई लगते हैं, शंभुनाथ गुप्ता के बेटे। उस रात हम और मोंटी वो गाड़ी बाराबंकी सीमा से हाईजेक की। चल, ए, गाड़ी से बाहर चलो। लड़की का हाथ मुंह बांध कर उसको गाड़ी के पीछे डाल दिए और रिंकी भाभी के जरिए हमने अविनाश को फोन करवा के हुसाईगंज बाराबंकी बुला लिया। उसको सुलह का झांसा देकर गाड़ी में बिठा लिया। हाथापाई में मोंटी का पिस्टल उसके हाथ लग गया और अविनाश ने मोंटी को गोली मारी। इससे पहले कि हम पे गोली चलाता, हम निकल कर भागे। अविनाश हमारे पीछे भाग, हम जाके झाड़ी के पीछे छुप गए। वो हमको ढूंढता रहा। हमको जैसे ही मौका मिला, हम निकल कर उसके ऊपर अटैक कर और इसी पिस्टल से उसको गोली मार दी। फिर हम गाड़ी लेके निकले तो ख्याल आया कि मोंटी क्लास का क्या करे, तो आगे जाके जंगल में उसकी लाश को भी जला दी। और वो लड़की? वो लड़की सब कुछ देख ली थी। वो लड़की थी भी सही, एकदम मस्त। क्या करते, 35 साल के हो गए, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, किसी से रिलेशन नहीं बना, यहां तक कि शादी भी नहीं हुई, तो रख लिया ऐसे। किसी की हत्या कर दी ऐसे ही, लड़की के साथ बलात्कार किया ऐसे ही, तड़पा तड़पा के रखा उस लड़की को ऐसे ही, तो इंसान नहीं दरिंदा है। तुझे जरा सा भी अंदाजा है क्या हालत की है तूने उस लड़की की? सड़ सारी उम्र ऐसे ही। रिंकी गुप्ता को हत्या और हत्या की साजिश के लिए हिरासत में लिया गया है। जिंदगी के जहीन मसले अपराध के रास्तों पर चलकर नहीं सुलझाए जा सकते। बातों को छुपाकर या गुप्त रखने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाया करते। किसी ने सही कहा है कि झूठ और रहस्य आत्मा पर एक ऐसे कैंसर की तरह से होता है जो हर अच्छाई को खा जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।